अपने ध्यान को भ्रिकुटी के बीच। अब छोटा सा एक अभ्यास कि आंखें खुली रख सकते हैं, ये मुझ आत्मा को कहीं भी कभी भी करना है। देखें मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा ऊर्जा। मैं पवित्र आत्मा बेदाग निस्वार्थ संपूर्ण पवित्र आत्मा। हर संकल्प शुद्ध है, हर शब्द आशीर्वाद है, हर कर्म श्रेष्ठ है। सिर्फ आधा मिनट, एक मिनट, उतना भी नहीं हो, 10 सेकंड, जैसे शरीर के स्वास्थ्य के लिए हम सीखते हैं ना कि अगर कंप्यूटर पर सारा दिन काम करना है तो बीच बीच में क्या कर लेना चाहिए, ऐसे ऐसे कर लो, थोड़ा सा गर्दन को ऐसे ऐसे कर लो, थोड़ा सा हाथ को ऐसे, ज़्यादा नहीं करना है, बस ऐसे थोड़ा थोड़ा करना, ये हमेशा ठीक रहेगा। ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा ऐसे ब्लिंक करना है, ये ठीक रहेगा। ज़्यादा नहीं करना है, हर आधे घंटे के बाद 1 मिनट उठ के चल लिया, ये ठीक रहेगा। तो बड़ी बड़ी बीमारियों से बचने के लिए कुछ बड़ा बड़ा नहीं करना पड़ता है, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचने के लिए सिर्फ छोटा छोटा करना पड़ता है। इसी तरह बड़े बड़े विकारों को ख़त्म करने के लिए कुछ बड़ा बड़ा नहीं करना पड़ता है। ये छोटी सी एक्सरसाइज है, हमें सिर्फ सोल कॉन्शियसनेस को वापस जागृत करना है। जैसे कोई भूल जाए कि वो कौन है तो उसको कैसे याद दिलाया जाएगा। सपोज़ आपके आसपास कोई है जिसको मेमोरी लॉस हो गया, भूल गया वो कौन है, तो उसको कैसे याद दिलाएंगे? बार बार, लेकिन बार बार बैठकर बहुत घंटा घंटा नहीं बताएंगे। बार बार जाएंगे, पता है, याद है ये हमने किया, फिर थोड़ी देर के बाद याद है हम इधर थे, याद है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो स्मृति विस्मृति हो चुकी है उसको वापस क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट, रीइमर्ज, वो स्मृति को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो मैं आत्मा हूँ, कोई नई बात नहीं सीखनी है, मैं हूँ, पता है, भूल गया, उसको सिर्फ क्या करना है। तो इसीलिए मेडिटेशन हम आधा घंटा एक घंटा तो करते ही हैं, लेकिन सारा दिन तो नहीं इतना टाइम निकाल सकते हैं, तो हम ये बीच बीच में करते हैं, आधा मिनट, 10 सेकंड, 1 मिनट। इसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड। तो एक ऐप है, या अगर आप यहाँ सेंटर पे आपने देखा होगा, हर एक घंटे के बाद एक गीत बजता है 1 मिनट का, तो वो गीत हमारे लिए वो रेड सिग्नल जैसा होता है कि हम जो कर रहे होते हैं हम रुक जाते हैं 1 मिनट के लिए। जहाँ अगर हम सब बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ सेवा की बात हो रही है, वो गीत बजेगा, सब चुप हो जाएंगे। इट इज़ लाइक ट्रैफिक कंट्रोल, कि रुक गए, जो कर रहे हैं वो रुक गए, और ये एक्सरसाइज फिर से की कि मैं आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, बीती बात ख़त्म हुई, मैं सबको आशीर्वाद देती हूँ। इतना किया, वापस आए, कॉन्शियसनेस क्या होती जा रही है, सिर्फ सुबह किया उससे नहीं होगा, क्योंकि पूरा दिन हम एक बॉडी कॉन्शियस की दुनिया में रह रहे हैं, बिलीफ सिस्टम अलग हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, सारा दिन जो हम कंटेंट ले रहे हैं वो भी कैसा है। तो स्मृति पर, कॉन्शियसनेस पर और संकल्पों पर जो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वो होता है कंटेंट का।
कंटेंट मतलब कुछ भी जो हम अंदर डाल रहे हैं, स्मृति और स्थिति यहाँ बन रही है और कंटेंट और इन्फॉर्मेशन हम अंदर डाल रहे हैं, तो पांच चीज़ों का असर पड़ता है यहाँ पर, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं। फाइव इनपुट्स हैं, वो उसका रिजल्ट है और फिर वो आउटपुट में आएगा वर्ड बिहेवियर कर्म के अंदर। तो अगर हमें कर्म को सही रखना है, सोच को सही रखना है, संस्कार को सही रखना है, तो उसके लिए पहले ये पांच चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, सही। ये रॉ मटेरियल है हमारा, ये हमारा प्रोडक्ट है, यह आपका रॉ मटेरियल गया, यहाँ आपका कपड़ा बना और फिर उस कपड़े से आप सूट बनाओ, साड़ी बनाओ, कुछ भी बनाओ, वो उसका फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन रॉ मटेरियल कौन सा अंदर गया, तो रॉ मटेरियल है वो पांच चीज़ें, सुनना, पढ़ना, देखना, खाना, पीना। ये पांचों चीज़ों का वाइब्रेशन क्या होना चाहिए, ऊपर। इसीलिए हर रोज़ कम से कम आधा पौना घंटा ज्ञान अंदर जाना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान कंटेंट है। और स्पेशली आज के युग में जब हम बहुत ज़्यादा दूसरा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, गुस्सा ख़त्म करना है, गुस्से का कंटेंट कंज्यूम करना बंद कर दीजिए। चिंता ख़त्म करनी है, वो वाला कंटेंट कंज्यूम करना बंद कर दीजिए। बच्चों पर इतना असर क्यों हो रहा है आजकल, कंटेंट। और इसीलिए जब से ये कंटेंट बहुत ज़्यादा आया तो हमारे दुनिया की बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो अचानक से क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल चेंज हुआ था। 25-30 साल पहले जब हम स्कूल में थे तो फ़ोन नहीं था, टीवी नहीं था ना, इंटरनेट भी नहीं था, तो कंटेंट क्या था फिर हमारा कंटेंट क्या था तब, किताबें, एक अखबार जो आती थी, पीपल, बड़े, संगत। तो कंटेंट सबसे बड़ी संगत है, कंटेंट संगत है और संग का रंग लगता है। तो कंटेंट का ध्यान रखे बिना अहिंसा, ब्रह्मचर्य कुछ भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमारे कंटेंट में हिंसा है आज। तो आज से ये पक्का कीजिए, जैसे हम हिंसा वाली चीज़ खा नहीं सकते, ऐसे हम हिंसा वाली चीज़ सुन, पढ़, देख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो भी कंजम्पशन है, हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारे अंदर जा रही है हमारे सिस्टम की, है ना। फिर बहुत कुछ मिलेगा नहीं फिर फ़ोन और टीवी से देखने के लिए उसके बाद, क्योंकि हिंसा सिर्फ वो नहीं है जहाँ फिजिकल वायलेंस हो रहा है। अब आप कोई भी सीरियल ऑन करके बैठ जाओ, कितनी हिंसा हो रही है उसके अंदर, शोर मचा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और हम वहाँ ऐसे बैठ के कंज्यूम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं एंटरटेनमेंट, वो एंटरटेनमेंट नहीं होता है। हम उसको क्यों कंज्यूम करते हैं, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए हमारी अपनी सोच को क्या कर देता है, बंद। जब हम अपनी सोच को बंद करना चाहते हैं ना, कि मुझे यहाँ का शोर नहीं सुनना, तो हम बाहर का सुनने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो बंद होगा तो ये वाला स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम कुछ देखने लग जाएंगे, और फिर अब हमारे पास टीवी की ज़रूरत नहीं, अब वो हमारे हाथ में आ गया है। तो एडिक्शन क्या होती गई और बढ़ती गई, डिपेंडेंसी क्या होती गई। और तो इस पहली अहिंसा पे काम करना है, कि कोई भी कंटेंट, और कंटेंट सिर्फ जो फ़ोन टीवी पे आ रहा है वो नहीं, कोई मुझे कोई बात सुना रहा है वो भी कंटेंट है, वो भी इन्फॉर्मेशन है। तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं कंज्यूम करनी है जिसमें किसी की कोई बुराई की जा रही है, किसी की निंदा की जा रही है, किसी के बारे में बात की जा रही है। क्यों हमें सुनना चाहिए, वो सुनना चाहिए, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, हमें कंज्यूम करना चाहिए, नहीं तो वो दाग दूसरे का है लेकिन लग कहाँ जाएगा। तो ये आज से और एक अहिंसा ऐड करो, अन्न के साथ साथ कंटेंट की अहिंसा बहुत इम्पोर्टेंट है। अन्न तो दिन में 2-3 बार ही खाते हैं, कंटेंट अन्न तो 2-3 बार ही खाएंगे। अब आप आलू, गाजर, प्याज, लहसुन नहीं खाते, अगर आपने एक आलू खा भी लिया तो इतना कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर 5 मिनट दूसरा वीडियो देख लिया ना, वो यहाँ पे कितना शोर मचाएगा। तो जितना परहेज़, ये परहेज़ बहुत अच्छा होता है, ये नियम हमारे जीवन में बहुत संयम लेकर आता है,
लेकिन जितना परहेज अन्न का हम कर रहे हैं उतना ही परहेज अब हमें कंटेंट का भी करना है, कि कोई भी कंटेंट जिसमें पांच विकार हैं, किसी की निंदा है, कोई दुख है, कोई चीखना चिल्लाना है, कोई दर्द है, कुछ भी है, कोई ईर्ष्या है, सोशल मीडिया पे जा रहे हैं ईर्ष्या हो रही है, या ये सोशल मीडिया पे जा रहे हैं मेरे लिए किसी ने सबने क्या कहा, ये सब चीज़ें मेरी स्थिति को क्या कर रही है, नीचे लेकर आ रही है। ऐसी चीज़ें मुझे कंज्यूम नहीं करनी। तो पांच चीज़ें क्या चीज़, देखना, सुनना, पढ़ना, खाना, पीना हाईएस्ट वाइब्रेशन का होगा तब ब्रह्मचर्य आएगा, तब ब्रह्मचर्य आएगा। क्योंकि ब्रह्मचर्य हमारा तब भी खंडित होता है जब हमने सिर्फ कुछ सुना पढ़ा देखा है, तब भी खंडित हो गया, तब भी खंडित हो गया। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी शक्ति है, ये आत्मा को तो बहुत ऊपर उठा देती है और ये बहुत सहज है। ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि जो संन्यास लेते हैं, जो आश्रम में रहते हैं, वो ही ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मचर्य हमारी बहुत पहली शिक्षा है कि अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह पे जीत पानी है तो पहले तो काम विकार पर जीत पानी होगी। तो जब आप वापस जाएंगे, अगर सेंटर्स पे जाके देखेंगे, सब घरों से आ रहे हैं, घर गृहस्थ में रह रहे हैं, लेकिन जहाँ भी रह रहे हैं ब्रह्मचर्य को पालन करते हैं। आश्रम में रह के ब्रह्मचर्य को पालन सिर्फ कर रहे हैं ऐसा नहीं है, घर गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचर्य बहुत सहजता से पालन, बहुत सहजता से आते हैं सेंटर पर, मेडिटेशन सीखते हैं, समझते हैं कि मुझे अपनी वाइब्रेशन को ऐसे उठाना है, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं मेडिटेशन में। ब्रह्मचर्य तो ब्रह्मचर्य सिर्फ एक थॉट है, एक संकल्प है। जैसे हम एक संकल्प करते हैं ना, ये छोड़ा, ये खाना छोड़ा, ऐसे आते हैं संकल्प कर छोड़ा, एक संकल्प, और फिर वो कभी खंडित नहीं होता, वो इतना आसान होता है। और इसमें कोई आयु की बात नहीं होती कि कौन किसकी एज का है, क्योंकि ब्रह्मचर्य की धारणा शरीर नहीं कर रहा है। कौन धारणा कर रहा है? आत्मा। काम विकार कोई शरीर की चीज़ नहीं है, वो यहाँ की एडिक्शन है, यहाँ की है वो। काम विकार आत्मा का विकार है, शरीर का विकार नहीं है। जैसे क्रोध आत्मा का विकार है, चिल्लाते हम मुख से, लेकिन वो विकार शरीर थोड़ी कर रहा है, वो विकार कौन कर रहा है? वो आत्मा कर रही है। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य तो बहुत सहज है। तो जिसको भी अपनी वाइब्रेशंस को ऊपर उठाना है, ऐसी एक एक प्रतिज्ञा करती रहनी चाहिए, ताकि वो प्रतिज्ञा हमारे आचरण को क्या लेकर आती है ऊपर। जितना वो हमें ऊपर लेकर आएगी, तो हमारा धर्म, मतलब आत्मा का धर्म क्या होने लगेगा? पवित्रता, सुख, शांति, ज्ञान, आनंद, प्यार। और जब ये होगा तो कर्म कैसा हो जाएगा? कर्म कैसा होगा? श्रेष्ठ। तो आज सुबह वही बात हो रही थी, तो भाई साहब ने कहा हमारे यहाँ कर्म पर बहुत फोकस करते हैं। कर्म पर ही फोकस करना, और किस पर फोकस करना है? कर्म ही फोकस करना है। हमें एक GPS लेकर चलना चाहिए जीवन में। वो GPS हमें ऐसे 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 बताता जाएगा कि किधर 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 जाना है। और वो GPS सिर्फ एक ही चीज़ है, मेरा कर्म और संस्कार क्या होना चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है, दुनिया क्या कर रही है, सब क्या कर रहे हैं, वो हमारा मापदंड नहीं होगा। हमारा मापदंड क्या होगा? सिर्फ मेरा कर्म और संस्कार, क्योंकि सिर्फ वही एक चीज़ है जो मेरे साथ जाती है। फिर हम थोड़ा सा कई बार सोचते हैं कि अगर सब कुछ मेरे कर्म से हो रहा है तो फिर परमात्मा का क्या रोल है? क्योंकि बचपन से सुना था कि जो कुछ हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है, राइट है बात? पत्ता पत्ता भी हिलता है तो क्या सीखा, किसकी मर्जी से हिलता है? ईश्वर की मर्जी से हिलता है, राइट है बात? राइट है बात? आप यहाँ आए किसकी मर्जी से? आप यहाँ आए किसकी मर्जी से? अच्छा, थोड़ा सा इसमें से करेक्शन करेंगे, अपनी आत्मा नहीं। अगर मैंने कहा अपनी आत्मा, मतलब कौन कह रहा है कि ये मेरी आत्मा है? तो मेरी आत्मा नहीं, मैं आत्मा, हाँ मुझ आत्मा, राइट, मेरी आत्मा नहीं। जब वो मेरी आत्मा जो लोग कहते हैं, उनका मतलब ये मैं और ये मेरी आत्मा है, मैं ये नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, अपना शरीर है,
अपना शरीर है, अपनी आत्मा नहीं है। मैं आत्मा हूँ, अपना शरीर है, मेरा शरीर है। लेकिन हम बहुत सालों से भूल गए थे ना कि मैं आत्मा हूँ, तो हमने कहा मेरी आत्मा है। तो मेरी आत्मा नहीं है, मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर है। तो मेरे साथ कौन सी चीज़ सिर्फ कांस्टेंट है? कर्म और संस्कार। तो परमात्मा अगर हमारा भाग्य लिखते तो हर एक का भाग्य कैसा होता? मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक जैसा तो होता ही, परफेक्ट होता। भगवान किसी के भी भाग्य में, आज इतना कुछ चल रहा है दुनिया में, देख लो सिर्फ, अब तो दूर भी नहीं देखना पड़ता, अपने आसपास देख लो, ये सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है, ये सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। हाँ, चाहे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, युद्ध हो रहा है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, किसी के रिश्ते टूट रहे हैं, कोविड आ रहा है, ये सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। तो बहुत क्लियर, यहाँ पर खुद चिंतन करना है। हमने बहुत कुछ सुना है, पढ़ा है, जिसने कहा था सही कहा था, लेकिन उन्होंने किस भाव से कहा था और सुनने वाले ने किस भाव से लिया था और फिर सुनने वाले ने सुनाया कैसे था। तो कई बार वो चाइनीज विस्पर होते 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 वो चीज़ क्या हो जाती है, थोड़ी सी चेंज हो जाती है। सुनाने वाले ने सही कही होगी, लेकिन सुनने वाले की समझ फिर उसने आगे फॉरवर्ड किया 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 किया, तो फिर वो क्या हो गया, हमने कहा सब कुछ जो हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है और हमने कहा ये उसकी मर्जी से हो रहा है। तो परमात्मा की मर्जी से अगर भाग्य हो तो दो क्राइटेरिया होगा, एक भाग्य परफेक्ट होगा और दूसरा भाग्य एक जैसा होगा। आप अपने बच्चों का भाग्य लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? परफेक्ट लिखेंगे और एक जैसा लिखेंगे या थोड़ा कम ज़्यादा लिखेंगे? नहीं, लेकिन आपके बच्चे तो एक जैसे नहीं है ना। अच्छा, आपका एक जैसा ही मिलेगा। आपका एक बच्चा है जो बहुत आज्ञाकारी है, मतलब हाँ जी हाँ जी हाँ जी करता रहता है और हर चीज़ आपकी मानता है। दूसरा बच्चा भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी मस्ती मस्ती भी करता है, नटखट है। तो अगर अब भाग्य लिखने का टाइम आए तो जो आज्ञाकारी आप उसका ज़्यादा अच्छा नहीं लिखेंगे? सो जरा चेक करो कि पेरेंट जो कि एक इंसान है, भगवान नहीं है, इंसान है, वो भी कलयुग के एंड पे इतने सारे विकारों के साथ है ना, इतनी ऐसे बायस के साथ, तो थोड़ा तो मन करेगा ना, जो इतना आज्ञाकारी है उसको थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा दे। नहीं, पेरेंट है ना, पेरेंट है, पेरेंट दो बच्चों के बीच में कभी भी बायस नहीं कर सकता, जबकि वो पेरेंट इस समय की कलयुगी संस्कारों वाला पेरेंट है, वो भी दो बच्चों के बीच में बायस नहीं कर सकता। और परमात्मा को हमने कहा किसी को इतना दिया और किसी को बिल्कुल नहीं, इतना बायस नहीं हो सकता। तो ये दो कंडीशंस फॉलो नहीं होते, इसीलिए ये भाग्य परमात्मा ने नहीं, किसने लिखा है? कर्मों ने लिखा है। कर्म हमारे सबके एक जैसे नहीं है, फिर भाग्य भी हमारा एक जैसा नहीं होगा। कर्म हमारे बहुत अच्छे हैं, बीच में हमने कोई छोटी बड़ी गलती की तो वो भी हमारे सामने परिणाम में आएगी ही। तो आज एक और इक्वेशन चेंज करनी है, कुछ भी हो जाए तो उंगली ऊपर नहीं रखनी। हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए यहाँ रखते हैं, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, और बड़ी चीज़ कोई हुई तो उसके सिर्फ एक पर नहीं रखते, सब ऐसे 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 ऐसे। और राजयोग मतलब सब कुछ ऐसे, ये जो किया ये भी मैंने किया, गुस्सा जो किया वो भी मैंने किया, दुख जो हुआ मैंने किया, और मेरे भाग्य में ये जो आया वो भी मेरे कर्मों का परिणाम है। और यहाँ आने से पावर आती है कि जब मैंने ही किया तो ठीक भी कौन करेगा? मैं। पावर किसके पास है? मैं। जब मैंने कहा सब ने किया तो पावर किसके पास थी? सब। तो हम कौन फिर? कुछ भी नहीं, पावरलेस। सो जैसा हमारा कर्म वैसा हमारा परिणाम, इसको फिट कर। अब कर्म का सिद्धांत भी मालूम है, जानते हैं, मानते हैं, लेकिन सारा दिन में
याद नहीं रखते हैं। सो एक बॉल है, इसको पकड़ें एक मिनट हाथ में ऐसे। ये हमारा कर्म है। कर्म सिर्फ बोल और व्यवहार नहीं है, सोच, भावना, इंटेंशन। सपोज सेवा कर रहे हैं तो बाहर से तो बहुत अच्छी बॉल दिखेगी वो कि कितनी सेवा कर रहे हैं सबके, लेकिन अगर इंटेंशन में थोड़ी सी इच्छा है, थोड़ा सा उसमें से मेरी महिमा हो, थोड़ा सा मेरा नाम मान शान हो, तो बाहर से तो दिखेगा व्यवहार एक्यूरेट है लेकिन भाव भावना में थोड़ी सी। तो कर्म सिर्फ जो आंखों से दिखता है वो नहीं है, कर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मेरी इंटेंशन, मेरी भाव, मेरी फीलिंग्स, मेरे थॉट्स, मेरे शब्द, मेरा व्यवहार, ये सब कुछ मेरा कर्म है। अब इस बॉल को पकड़ें, अब इस बॉल को सोच समझ कर हमें फेंकना है, क्योंकि याद रखते हुए कि जैसे ये जाएगी वैसे ही ये वापस आएगी। एक दूसरे को देखना नहीं कि दूसरा कैसे फेंक रहा है, क्योंकि दूसरा अगर गलत फेंक रहा होगा तो उसको देखकर, तो कलयुग में ये एक और चीज़ चेंज करनी है कि लोग क्या कर रहे हैं। कलयुग वो युग नहीं है जहाँ दूसरों के साथ कंपेयर करके करना चाहिए कर्म। अब पकड़ो और जो यहाँ आपके सामने जो दीवार है इस पर आपको सोच समझ करके मैं जिस डायरेक्शन में फेंकूंगा, जिस स्पीड पे फेंकूंगी, वैसे ही वो बॉल मेरे पास वापस आने वाली। तो फेंकने वाली बॉल पे फोकस नहीं करना, कैसे मुझे वापस चाहिए ना, उसको सोच कर फेंकना है। अब विजुअलाइज करो आपको किधर से आती हुई बॉल चाहिए और कौन सी स्पीड पे चाहिए। अब आप उस बॉल को फेंकिए फेंकिए। वेरी गुड, अच्छे से एफर्ट करके। अब दिस इज कर्म, एनर्जी जो हम क्रिएट करते हैं और हमसे बाहर जाती है, इंटेंशंस, थॉट्स, वर्ड्स, बिहेवियर, ये सिर्फ याद रखना है। क्योंकि आजकल हम अच्छा बात करेंगे, सही व्यवहार करेंगे, लेकिन अंदर हम कुछ और भी सोच सकते हैं, सोच सकते हैं नहीं सोच सकते हैं। तो कर्म की चेकिंग यहाँ करनी है, यहाँ नहीं, और यहाँ कर ली तो यहाँ करनी नहीं पड़ेगी, वो तो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। अब ये बॉल वापस आ रही है, हर एक की अलग अलग आएगी। जब अलग अलग आएगी तो दूसरे को देख कर नहीं कहना इसके पास ऐसे कैसे इतनी अच्छी आ गई, इसके पास मेरे से ज़्यादा अच्छी कैसे आ गई, उसके पास वो वाली आ रही है जो उन्होंने फेंकी थी, मेरे पास वो वाली आ रही है जो मैंने फेंकी थी, अगर वो वाली अच्छी लग रही है तो अगली बार वो वाली फेंकिए, आ जाएगी। नहीं, वो नहीं आप पकड़ सकते, यही तो बात है, वो नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो किसके पास जाने वाली है, उधर। लेकिन जब हम उनको देखेंगे और थोड़ी सी ईर्ष्या क्रिएट होगी, तो सोचा भी नहीं था लेकिन बिना सोचे भी मेरे से ईर्ष्या की बॉल बाहर चली गई, और जैसे ईर्ष्या की बॉल चली गई तो सफलता की बॉल जो आनी चाहिए थी वो और रुक जाएगी। तो हर संकल्प भी कर्म है। इनको कैसे इतना मिल गया, ये कर्म है। मेहनत तो मैंने की थी, ये आगे कैसे चले गई, ये भी एक बॉल है। हर थॉट एक बॉल है। तो भाग्य पर अटेंशन रखना है तो हर सोच पर चेकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक बार फिर से फेंकते हैं अच्छे से। अगर दूसरे की देखनी है तो अभी देखो, अगर किसी से सीखना है। आते हुए बॉल को दूसरे की नहीं चेक करना कभी भी। अगर मुझे देखना है कि ये व्यक्ति को इतना रिजल्ट बिजनेस में कैसे मिल रहा है, तो मुझे उनके एफर्ट को देखना है, और उनके एफर्ट को देख के हम लर्न कर सकते हैं। लेकिन उनके सक्सेस को देखकर जेलेसी क्रिएट की तो मेरा गलत बॉल चला जाएगा फिर से। ठीक है, अब फेंकिए। अब ये जब वापस आएगी ना, ये इमिजिएटली नहीं आएगी। कुछ बॉल इमिजिएटली आएगी, कुछ बॉल 5 मिनट के बाद आएगी, कुछ 5 साल बाद आएगी। अगर आज मैं जंक फूड खाऊं तो मैं आज ही बीमार नहीं हो जाती। आज मैं ठीक से नहीं सोऊं, रात को लेट सोऊं, एक्सरसाइज नहीं करूं, तो मुझे लगता है सब ठीक ठाक तो है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि ये वाली जो मैं बॉल अभी फेंक रही हूँ, ये अभी नहीं वापस आने वाली है,
ये 5 साल बाद, ये 10 साल बाद। आज मैं बोलूँ नहीं, मुझे काम इतना करना है, इतना जल्दी मैं घर नहीं आऊँगा, तो मैं अपने मन का नहीं ध्यान रख रहा, मैं अपने तन का नहीं ध्यान रख रहा, मैं अपने परिवार के संबंधों का ध्यान नहीं रख रहा, मैं सिर्फ किस चीज़ का ध्यान रख रहा हूँ, धन धन धन। तो जब मैंने धन 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 वाली बॉल पे ध्यान रखा तो मेरे घर बहुत धन आ गया, आना ही था, क्योंकि मैंने कौन सी वाली बॉल फेंकी थी, धन पर मेहनत, धन पर मेहनत, धन पर मेहनत करनी चाहिए। लेकिन उस प्रोसेस में मन तन संबंध पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी वापस आएगा, वो भी वापस आएगा, आएगा या नहीं आएगा, राइट? तो बिजनेस थोड़ा सा क्या करना चाहिए, बैलेंस, बैलेंस। जीवन कितनी अनसर्टेन चल रही है, एक सेकंड में आत्मा शरीर छोड़ रही है, वो सारा धन किधर जाएगा, परिवार को ही जाएगा, लेकिन वो परिवार कहेगा मुझे धन नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने टाइम ही नहीं स्पेंड किया कभी, इसलिए बैलेंस। क्योंकि धन से खुशी नहीं आने वाली है, धन से सिर्फ धन ही आने वाला है, और वो बैलेंस भी खुद क्रिएट करना है, दूसरे क्या कर रहे हैं वो देखकर नहीं करना है। गाड़ी रोड पर स्पीड अपनी सेट करनी है, दूसरे कितनी फास्ट चला रहे हैं वैसे गाड़ी नहीं चलानी है। दूसरे फास्ट भी चला रहे हैं, दूसरे ओवरटेक भी रॉन्ग साइड से कर रहे हैं, दूसरे रेड सिग्नल भी तोड़ रहे हैं, तो मुझे भी वैसे ही चलानी गाड़ी नहीं। कलयुग कंपैरिजन का युग नहीं है, तो जीवन में मर्यादाएं, नियम, संयम, प्रिंसिपल्स, बिजनेस एथिक्स, आत्मा की शक्ति अगर ऊपर लेकर जानी है तो एथिक्स वर्ड वोकैबुलरी में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अनएथिकल का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, फिर हम कौन सी प्योरिटी की बात कर रहे हैं? क्योंकि प्योरिटी सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है, धन से, धन अन मन तन संबंध स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो सबसे पहले पवित्र क्या चाहिए, धन, धन, धन में हिंसा नहीं होनी चाहिए। धन में हिंसा कैसे होती है, किसी को कष्ट देकर कमाया वो हिंसा है, और गलत तरीके से कमाया वो हिंसा है, और परिवार को तकलीफ देकर कमाया वो भी हिंसा है, और पहला हाँ धन लिया लेकिन उनको गलत चीज दी वो भी हिंसा है। तो हिंसा अर्थात दूसरे का दर्द कमाया, और ऑपोजिट क्या होना चाहिए, दूसरे की दुआ कमाई। बिजनेस में दुआएं कमाइए, तब वो धन घर को सुकून देगा। बिजनेस करना है लेकिन इंटेंशन उस बिजनेस में होना चाहिए, इस व्यापार से मेरे घर दुआएं आने चाहिए। तो उसका पहला क्राइटेरिया, आपका प्रोडक्ट वो होना चाहिए जो लोगों के फायदे का हो, पहली चीज। अगर हम कोई ऐसे खाने पीने देखने पढ़ने की चीज़ बना रहे हैं जिससे लोगों का भाग्य खराब हो रहा है, तो वो हमारे घर का भाग्य श्रेष्ठ कैसे बनाएगा? तो हम दूसरे को दुख बीमारी देखकर धन कमाएंगे, नहीं हो सकता। तो पहली चीज़ हमारा प्रोडक्ट ही कैसा होना चाहिए बेनिफिट का, दूसरा काम करने का तरीका, और तीसरा बिजनेस करने का तरीका। बिजनेस करते हुए भी हाईएस्ट वाइब्रेशन रखिए कि मेरे बिजनेस करने के तरीके से सामने वाले का बेनिफिट होने वाला है, मेरा बेनिफिट नहीं, सामने वाले का बेनिफिट। कर सकते हैं ऐसा बिजनेस, किसका फायदा होना चाहिए, दूसरे का। अपने फायदे के लिए बिजनेस नहीं करना है, दूसरे के फायदे के लिए बिजनेस करना है। जब दूसरे के फायदे के लिए करेंगे तो अपने घर धन भी आएगा लेकिन धन से ज्यादा दुआएं आएंगे, और वो घर में सिर्फ सामान नहीं आएगा, उस घर में क्या आएगा, सुकून भी आएगा। ठीक है, अंडरलाइन किया, धन कैसा आना चाहिए, दुआओं के साथ। वर्क कल्चर, खुद भी टाइम पर घर आएं, लोगों को भी टाइम पर घर जाने दें। अगर आपके धन कमाने की लालच की वजह से किसी और के घर में झगड़ा हुआ, हो सकता है ना,
अब वो गया ही इतनी लेट भाई, 8-9 बजे गया, फिर उसको फ़ोन कर दिया वहाँ जाकर, ये किया कि नहीं, वो किया कि नहीं, वहाँ उसके घर वाले रुके हुए हैं, झगड़ा हो गया उसका। उसके झगड़े का कारण कौन, उसके झगड़े का कारण कौन? बिजनेस। ये इस समय कलयुग में काम करने के तरीके को बदलने की बहुत ज़रूरत है, तब तक भाग्य नहीं बदलेंगे लोगों के। कट ऑफ टाइम दो कि एक बार आप 8 बजे घर चले गए, कल सुबह 8 बजे से पहले आपको कोई फ़ोन नहीं करेगा। अर्जेंट और इमरजेंसी बहुत कम होता है, लेकिन जब ने हमारे पास फ़ोन आ गया है, हमने कहा सुबह तक क्या रुकना, अभी फ़ोन करके बोल देता हूँ, क्योंकि फ़ोन पड़ा है ना सामने, दूसरा घर गया है, उसकी फैमिली लाइफ हिली हुई है सबकी। ऐसा बिहेव करो जैसे कि हमारे पास फ़ोन नहीं है, खुद भी फ़ोन को नहीं यूज़ करो और उनको भी यूज़ करने के लिए नहीं बोलो, तो अगले दिन सुबह सब कैसे आएंगे ऑफिस में? फ्रेश, हैप्पी एंड हैप्पी फैमिली को छोड़कर आएंगे। अगर रात को लड़ाई हुई हो ना किसी के घर, खुद ही पता है आपको, आप कैसे जाओगे ऑफिस में अगर कल रात को लड़ाई हुई, तो ना खुद के घर लड़ाई होनी चाहिए और ना जो हमारे साथ सेवा करते हैं उनके घर। सो वर्क कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, क्योंकि जिसको भी आप बोल दो, आज किसी को भी बोलो रोज़ एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, कहते टाइम ही नहीं है। बिल्कुल टाइम ही नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि सारा टाइम किस में जा रहा है? काम काम काम। काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो जीवन का एक हिस्सा है, एक हिस्सा है, जीवन का एक हिस्सा है सिर्फ। लेकिन हम जीवन को काम ही बना देंगे तो बाकी सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी। तो कितने बजे डिस्कनेक्ट कर लेना चाहिए काम से? डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट कितने बजे करना चाहिए? फिर तो घर के एंटर करने का टाइम चेंज कर देंगे आप। आप टाइम फिक्स करिए, घर एंटर करने से पहले इज़ अ वेरी वेरी ओपन एंडेड स्टेटमेंट। हाँ, फिर तो आप करते रहेंगे क्योंकि ख़त्म करके जाना है। नहीं, कितने बजे डिसकनेक्ट करना चाहिए? सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इवन ये गुस्सा, ईर्ष्या, चिंता, ये एक थके हुए मन का रिजल्ट है, और थका हुआ मन इसलिए क्योंकि वो डिसकनेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये मर्यादा तो यहाँ से बना के जाइएगा, क्योंकि अहिंसा में सबसे इम्पोर्टेंट मर्यादा ये है कि मेरे कर्मों से किसी को दर्द नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए ना। मेरे कर्मों से अगर किसी के घर कल झगड़ा हुआ, मेरे कर्मों की वजह से अगर किसी का बच्चा ठीक से नहीं परवरिश हो रहा है, लॉन्ग टर्म उस बच्चे का भाग्य बदल जाएगा मेरे कर्मों से, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, आप सब मोतीलाल ओसवाल जी को जानते हैं ना, तो हम एक बार उनके यहाँ प्रोग्राम करने के लिए गए थे, तो 1000 लोग के करीब थे, उनके वेंडर्स और वो सब जो होते हैं। तो ऐसे ही उनको बताया सेशन में, लाइफस्टाइल में, कि 8 बजे डिसकनेक्ट, फिर सुबह 8 बजे कनेक्ट करेंगे। 12 घंटे हर एक एम्प्लॉय को डिसकनेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल डिसकनेक्ट, मतलब फ़ोन, ईमेल, मैसेजेस, कुछ नहीं करना एक बार घर गए तो। तो सब लोग ऐसे ही सुन रहे थे, हाँ हाँ ठीक है बोलो आगे नेक्स्ट, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता है, ऐसे देखते लोग। वो खड़े हुए सबके बीच, सामने बैठे थे, और उन्होंने कहा ठीक है डन हो गया। तो सब ने बोला नहीं नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है, वो मार्केट, वो सब जो उनका फील्ड है, वो मार्केट इतने बजे खुलती है, ये होता है, वो होता है, वो सब इतना बोल रहे थे। मैं इसलिए आपको शेयर कर रही हूँ लीडरशिप क्वालिटी कैसी होती है और कर्म कैसे बनता है। वो स्टेज पर आए और उन्होंने कहा करना है, ये डिसाइड हो चुका है, कैसे करेंगे वो आपस में बैठ के बाद में बात करेंगे, दैट्स इट, फिनिश्ड। ही जस्ट डिसकनेक्ट। एंड उस दिन जो भी उनकी मीटिंग करके, अभी वो समय है कि 17,000 लोग उनका बैक एंड से, वो सर्वर से ही डिसकनेक्ट कर देते हैं उनको, कि वो करना भी चाहें तो वो नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। 17,000 एम्प्लॉयज़ उनके यहाँ अंदर कब जा रहे हैं उसको स्वाइप नहीं करना है, ऑफिस से बाहर कब आ रहे हैं तब स्वाइप करना है। और जो टाइम है हमारा 6 बजे का अगर सपोज, तो 6:45 से 6:15 के बीच में आपका कार्ड स्वाइप हो जाना चाहिए, यू हैव टू गो होम। ये है कर्म,
ये है कर्म। फिर उन्होंने इतने लोगों को वो घड़ी भी दे दी, अभी 3,000 लोगों को देखने के लिए कि इसका अब ये रिजल्ट क्या आने वाला है इनकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर, इमोशनल हेल्थ पर तो आना ही है। फिर उनको किसी ने पूछा कि आपने इतना सब ये कर दिया, इसका आपके बिजनेस पर कुछ तो हुआ होगा रिजल्ट, तो उन्होंने कहा हमारा बिजनेस वैसा है कि वो वैसे ही फ्लक्चुएट होता रहता है, तो हम मेजर नहीं कर सकेंगे उसको इस बेसिस पर। कहते बट मैं उस बारे में सोच ही नहीं रहा, मेरे लिए ये सब लोग जा रहे हैं, खुश हैं, इनके परिवार खुश हैं, मेरे लिए हो गया। ये है कर्म। तो ऐसे कर्म कीजिए, क्योंकि ना पूरा समाज अफेक्ट हो रहा है इस समय, और सिर्फ समाज नहीं अफेक्ट हो रहा, बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं। तो एज अ लीडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ लीडर ऑफ टीम, पहले अपने लिए मर्यादा बनाइए और फिर वो मर्यादा आप अपनी पूरी टीम को दीजिए। एंड जो लोग डिस्कनेक्ट करते हैं, क्या आपको लगता है कि उनके काम की एफिशिएंसी घट जाएगी? बढ़ जाएगी, अगर हमें ये बात पता है। सी कितनी इजी बात है ना कि बढ़ जाएगी, क्यों? अगले दिन फ्रेश, एनर्जाइज्ड, अच्छे से सोए हुए, रिचार्ज्ड, घर पे अच्छे से समय बिताकर, थोड़ा सा मेडिटेशन करके, थोड़ी एक्सरसाइज करके, कुछ तो करके फिर आएंगे अगले दिन सुबह। अगर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो फिर प्रोडक्शन भी, तो फिर हम क्यों कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं? तो ये गिफ्ट देना अपने सब लोगों को जाने के बाद, जो भी आपका टाइम फ्रेम होगा ना, उसमें एक डिस्कनेक्ट का टाइम लाइए। और अब उधर से डिस्कनेक्ट कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं फ़ोन और टीवी के साथ बैठ गए, नहीं, अपनी एनर्जाइजिंग का समय है, परिवार के साथ बैठिए बिना फ़ोन टीवी के। बहुत कम समय हम ऐसा बिता रहे हैं, राइट? तो उसका असर हम पर तो हो रहा है, लेकिन वो बच्चों पर बहुत हो रहा है। परिवार के साथ बैठिए, किताब के साथ बैठिए, म्यूज़िक के साथ बैठिए, और कभी कभी सिर्फ अपने आप के साथ बैठिए। ज़रूरी नहीं है कुछ करना होता है सारा दिन, ये हमें सारा दिन ना कुछ हाथ में चाहिए वाला हो गया ऐसे, नहीं, ये भी निर्भरता है, डिपेंडेंसी हो गई, नहीं, जस्ट सिट। आपको याद है ना वो ज़माना जब हम ऐसे ही बैठते थे, बोर हो रहे थे? वो बोर होना बहुत हेल्दी था, क्योंकि अपने आप से एक रिश्ता बना था। WHO ने कहा है नेक्स्ट इलनेस इज लोनलीनेस, लोनलीनेस, अकेले नहीं, अकेलापन, अकेले नहीं है, अकेलापन, अलोन नहीं है, लोनली है। लोनली मतलब यहाँ अकेलापन, अपने आप की कंपनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बैठे ही नहीं ना कभी अपने आप के साथ अकेले। ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी रुकते, उतने 30 सेकंड में भी अपना मैसेज देखते कुछ आया, तो उतनी अस्थिरता। तो ये गिफ्ट दीजिए, आपके धन की वाइब्रेशन क्या हो जाएगी, कितने बच्चों की दुआएं उसमें लगेंगी, कितने लोगों के परिवारों की दुआएं, उनकी सेहत और उस व्यक्ति की खुद की खुशी और सेहत की दुआएं आपके धन में आ जाएंगी। तो फिर आपके घर में कैसे वाले पैसे आने, ठीक है, डन। तो ताली उनके लिए नहीं बजाने, किसके लिए बजाने? अपने लिए बजाने कि मैंने ये करना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए करना है, मेरी टीम है तो उसके लिए करना है, मेरा छोटा सा ऑफिस है तो उसके लिए करना है, किसी के लिए नहीं कर सकते तो अपने लिए। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं करना है, पहले किसके लिए करना है? लीडर को अगले दिन सुबह बहुत फ्रेश, एनर्जाइज्ड, रेस्टेड जाना है ऑफिस। हम सोते हैं कितने घंटे सोते हैं? 7 hours. कितने घंटे सोते हैं वो ज़रूरी नहीं है, गहरी नींद सोएं वो ज़रूरी है। और क्योंकि हम काम करते रहते हैं रात तक, मतलब फ़ोन पे बात की ये किए, तो हमारा माइंड क्या होता जाता है, स्टिम्यूलेट होता जाता है, उसको काम देते रहते हैं, और फिर देखने के टाइम ईमेल्स और मैसेजेस, सोने के टाइम चेक करते हैं, आधी रात को पानी पीने उठते तो भी ईमेल्स और मैसेजेस चेक कर, इसको ज़ीरो रेस्ट मिल रहा है। शरीर सो रहा है, ये काम कर रहा है, और इसीलिए सुबह उठने के बाद थोड़ा और उठने का मन करता है। अगर आप गहरी नींद सोएंगे, उसके लिए बस जल्दी खाना खाना है, जो तो आपकी संस्कृति में है, आप फॉलो करते हैं वो बात को? यस, शुरू करना चाहिए। ऑफिस से आते 8 बजे, तो उसके बाद भी खाना, तो ऑफिस से 7 बजे आ जाएंगे और 7 बजे आते ही खाना खा लेंगे। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाँ जी, तो थोड़ा और जल्दी आएंगे। सुबह जल्दी जाओ,
सुबह जल्दी जाना चाहिए. साइकिल, अर्ली मॉर्निंग एनर्जी एफिशिएंसी क्या है? हाईएस्ट. हर चीज़ हमारे धर्म और कर्म के लिए लिखी गई थी. टाइम पे आएंगे, जल्दी खाएंगे, जल्दी खाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, जल्दी सोएंगे, जल्दी सोएंगे, गहरा सोएंगे, गहरा सोएंगे, जल्दी उठेंगे. लेट खाएंगे, हैवी खाएंगे, ज़्यादा सोएंगे, ज़्यादा सोएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त नहीं उठेंगे. तो सुबह का मुहूर्त ही मिस हो गया. तो सुबह का मुहूर्त मिस नहीं करना. मुहूर्त मिस किया तो भाग्य, मुहूर्त मिस किया तो भाग्य क्या हो जाएगा? हाँ, पंडित जी क्या बोलते हैं, मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ उनको. हम बोलते हैं वो आए नहीं, बोले फिर छोड़ दो. मुहूर्त नहीं छोड़ना, लेकिन मुहूर्त मतलब हाई वाइब्रेशनल टाइम. तो हर 24 घंटे का एक मुहूर्त टाइम होता है, उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त. तो ब्रह्मचर्य के लिए ब्रह्म मुहूर्त मतलब हाईएस्ट आचरण के लिए हाईएस्ट वाइब्रेशनल टाइम पर उठना होता है, वो है 4 से 5 बजे का टाइम, अमृत वेला. उसको अमृत कहा जाता है उस समय को. और बहुत ईजी है, यहाँ आपने देखा होगा, आपने देखा सभी उठते हैं यहाँ पर 3:30 बजे गीत बज जाता है, 365 दिन. आज उठे ना, बस कल भी और अगला कल जो आने वाले तब कितने बजे उठना है. कल भी उठे, आज भी उठे और कल कितने बजे उठेंगे देखो. रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग. हमारे लीडर ऐसे नहीं, नहीं चेंज करते, चेंज करते फटाफट से लाइन को चेंज करते हैं कि जो यहाँ संस्कार शुरू किया था, कल से जाकर हम उतने बजे ही उठेंगे. उठने पर मेहनत नहीं करो, सिर्फ सही सोने पर मेहनत करो. आपको पता है लाइट खाना खाते हैं, जल्दी खाते हैं, सोने से पहले ही वो डाइजेस्ट हो गया होता है, तो 2 घंटे तो वहीं बच जाते हैं जो नींद में हम खाने का पाचन कर रहे हैं. और दूसरा, काम नहीं करते सोने से पहले तो ये सारी फाइल्स क्या हो जाती है, शट डाउन हो जाती है. फिर सोने से पहले फ़ोन टीवी देखकर अपने को स्टिमुलेट नहीं करते तो ये फाइल्स क्या हो जाती हैं. जो भी इस तरीके से सोएगा और अगर वो 10 बजे सो जाए, आप अलार्म नहीं लगाओ, आप 4:30 के बाद सो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका डीप स्लीप वाला साइकिल क्या हो चुका होगा, पूरा. मतलब हम कभी सोचे भी ना कि नहीं अभी मुझे नहीं उठना है आज जल्दी, हम बैठे रहेंगे ऐसे, लेकिन नींद नहीं आ सकती क्योंकि वो डीप स्लीप फिनिश हो चुकी है. सिर्फ उसके लिए विधि ऑफ स्लीपिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो 7:30 खाना फिनिश, हल्का खाना, हल्का खाना जो 9:30-10 बजे तक क्या हो चुका है, डाइजेस्ट. वर्क कितने बजे डिस्कनेक्ट? 8:00, ठीक है, 8:00 हो ही 7:30-8 बजे. उस ईरा में चले जाओ कि हमारे पास फ़ोन लैपटॉप नहीं है. उस ईरा में डिप्रेशन नहीं होता था, उस ईरा में डिवोर्स नहीं हो रहे थे, उस ईरा में डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट अटैक नहीं हो रहे थे. एक ही तो कारण है, सिर्फ सारा दिन काम काम और काम. तो जाना है ना वापस उस तरफ. ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, ये हमारा कर्म है. ढूंढ से क्या करें, और वो भी आप तो लीडर हो तो आपके लिए डिसीजन लेना. हाँ, और आपका डिसीजन सिर्फ आपका कर्म नहीं, आपका डिसीजन सिर्फ कैलकुलेट करो कितने. कई बार जो ऑर्गेनाइजेशंस के ओनर्स होते हैं वो बहुत अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील करते, कहते हमारे ऊपर 500 लोगों का घर चलता है. सिर्फ धन से नहीं घर चलता, आप ये सोचो 500 परिवारों का भाग्य मेरे कर्मों से चलता है. सिर्फ मेरे धन से उनका घर नहीं चलता, देख तो लिया धन तो है इतना, सुकून नहीं है तो फायदा क्या उसका. तो 500 बोलना भी है तो बोलो 500 परिवारों का भाग्य मेरे कर्मों से चलता है. मेरा एक सही कर्म 500 परिवार, 500 लोग नहीं, 500 परिवार का भाग्य बदल देगा. करेंगे चेंज? कब चेंज करेंगे? ऑलरेडी कर चुके, यहाँ अंदर डिसीजन हो जाना चाहिए. वो याद रखना लाइन, करना है डिसाइड हो गया, कैसे करना है कल ऑफिस में जाके डिस्कस करना, लेकिन माइंड को ऑप्शन नहीं देना. बॉल कब फेंकनी है? अभी. चलो फेंक दो वो वाली बॉल, फिर अभी फेंको. आप सोच के फेंकिए, फेंकिए सोच कर अपनी डिसीजन लेकर, कल से मेरे ऑफिस में मेरे लिए और सबके लिए ये वाला चेंज निश्चित. फेंक दिया,
धन से अन, अन से मन और तन, तो हर बॉल वापस आने वाली है। तो इसीलिए जब भी कुछ लाइफ में होता है तो मन सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आज से वो अज्ञान का थॉट फिनिश्ड कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्या आंसर देंगे अपने आप को? बोलो, बॉल मैंने फेंकी थी, वापस आई है, सिंपल। तो मेरा कार्मिक अकाउंट मेरे पास वापस आया है। उंगली इधर 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 नहीं, सिर्फ किधर। और फिर नेक्स्ट है, अब मुझे क्या करना है। हम में से बहुत लोग अपना भाग्य जानने के लिए लोगों के पास जाते हैं, जाते आगे क्या होने वाला है, 5 साल बाद क्या होने वाला है, ये सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होती है। वो आपको सिर्फ ये वो साइंस है। किस चीज़ की साइंस है? कि मेरे जीवन में कौन सी बॉल आने वाली है, वो आपको बता सकते हैं। 5 साल बाद ये बॉल आएगी। क्यों बता सकते हैं वो 5 साल बाद ये बॉल आएगी? क्योंकि वो बता रहे हैं जो आएगी, क्योंकि हम वो फेंक कर आए हैं। तो एस्ट्रोलॉजी हमें ये बताती है कौन सी बॉल वापस आएगी। धर्म हमें ये सिखाता है जब वो आएगी तो कौन सी बॉल अभी फेंकनी है, मतलब सही कर्म अभी कौन सा करना है। तो कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सी बॉल आएगी या कौन सी बॉल फेंकनी है? फेंकनी, सिंपल। मुझे क्या करना है, उस पर फोकस करना है। क्या आने वाला है? नहीं, हमें कमज़ोर नहीं बनना है, कमज़ोर नहीं बनना है, और पावरफुल बनना है। तो जब हम कोई बॉल फेंकते हैं, वो 5 साल बाद भी आ सकती है, वो 50 साल बाद भी आ सकती है, वो 500 साल बाद भी आ सकती है। क्योंकि वो कर्म किसके और किसके बीच है? मुझ आत्मा और आप आत्मा के बीच था। सपोज, जैसे मैंने कहा, मैंने अभी आपसे बहुत बुरी तरह से बात की, ये मेरा कर्म था ना। तो मैंने बॉल कैसी फेंकी? गुस्से की, झूठ की, एलिगेशन की, क्रिटिसिज्म की, ये मैंने बॉल फेंकी है। किसको फेंकी ये बॉल मैंने? उनको। किसने किसको फेंकी? मुझ आत्मा ने उस आत्मा को फेंकी। रिश्ते ने रिश्ते को नहीं फेंकी, शरीर ने शरीर को नहीं फेंकी, रोल ने रोल को नहीं फेंकी, मुझ आत्मा ने उस आत्मा को फेंकी है। अब उस आत्मा से वो बॉल मेरे पास वापस आने वाली है। लेकिन हो सकता है वो 50 साल बाद मुझे वापस आए, तब तक ये शरीर मैंने चेंज कर दिया। हो सकता है उन्होंने भी शरीर चेंज कर दिया, ना मैं उनको अब पहचानती हूँ ना वो मुझे पहचानते हैं। अभी हम अलग रिश्ते में हैं, 50 साल बाद हम अलग रिश्ते में होंगे, लेकिन वो बॉल जो मैंने फेंकी थी वो वापस आएगी ही आएगी। सिर्फ अटेंशन ये रखना है, जब वो बॉल वापस आएगी तो मुझे ये नहीं कहना ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उस समय मेरे पास क्या पावर है? 1 मिनट आप खड़े हो जाओ, नहीं आप अब ये करते हैं, ठीक है, सब करो इसको। अब ये बॉल मैं आपके पास फेंक रही हूँ, ठीक है, गुस्सा, निंदा, ईर्ष्या, सब कुछ। सबसे पहले आप आंसर दीजिए, ये बॉल आपके पास क्यों आ रही है? ये बॉल आपके पास क्यों आ रही है? किसी और के पास भी जा सकती थी। हाँ, तो अब आप उसको बोलो, क्योंकि ये बॉल मैं पहले, ये एक पिक्चर अपने अंदर सेट करो, हाथ रखिए इधर। ये बॉल वापस जो आती है ना हमारे पास, सिचुएशंस आती हैं, लोगों का बिहेवियर आता है, कभी कभी शरीर में कुछ ऊपर नीचे आता है, कभी बिजनेस, सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरा भाग्य है। सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो कर्म है। तो जो हम करते हैं बॉल बाहर जा रही है, जो हमारे साथ हो रहा है वो बॉल वापस आ रही है। जब मैं इनके साथ गलत व्यवहार कर रही हूँ, इनके लिए वो बॉल आपके लिए, बॉल कौन से डायरेक्शन में करिए, आपके लिए वो बॉल कौन से डायरेक्शन में आपके पास आ रही है। तो इमिजिएटली अपने माइंड को आंसर दो, मेरे पास ये क्यों आ रही है? अच्छे से बोलो, थोड़ा सा अच्छे से, नहीं तो बोलना पड़ता है ये बात, ताकि वो रोना बंद करेगा। फिर उसके बाद यू सी पूरी कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है। नहीं तो वो गलत, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे पास ये क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने पहले फेंकी थी। ओके,
क्या मैं आने वाली बॉल को रोक सकती हूँ? यहाँ जो आपने हिट की थी, क्या आप उसको रोक सकते हैं? नहीं, वो बॉल आने वाली ही है। चाहे आप किसी से भी जाकर 5 साल पहले पूछ लो प्रेडिक्शन, वो आपको प्रेडिक्शन बता सकते हैं, आने वाली बॉल को रोक नहीं सकते, क्योंकि वो बॉल तो हम फेंक कर आए थे। अब आपके पास क्या पावर है? ब्लेसिंग जब आप देंगे तो आपने क्या चेंज किया? अब इसको फिर से बॉल के रूप में देखते हैं। ये नेगेटिव बॉल आपके पास आ रही है, क्यों आ रही है? पहले आपने फेंकी थी, अब अगर आपको बुरा लगा तो आपने कौन सी बॉल फेंकी फिर से? अगर आपको बुरा लगा तो आपने कौन सी बॉल फेंकी फिर से? फिर नेगेटिव। अगर आपने गुस्सा किया तो आपने कौन सी बॉल फेंकी फिर से? फिर नेगेटिव। आपने अगर नफरत क्रिएट की, फिर से कौन सी बॉल आपने फेंकी? फिर नेगेटिव। अगर आपने क्षमा किया, उससे भी हायर, अगर आपने दुआ दी, तो आपने अब कौन सी वाली बॉल फेंकी? पॉजिटिव। तो आपने अपने कार्मिक अकाउंट को क्या कर लिया? चेंज। वापस तो आएगी, लेकिन जब आप दुआ दे भी रहे हैं ना, उसी टाइम आपकी एनर्जी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो कर्म के साथ साथ भाग्य चल रहा है। जब आप नफरत भी किसी को भेजते हैं, उसी टाइम आपको पहले वो इम्पैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमें उनको दुआ देनी है। दुआ भी हम उन पर फेवर नहीं कर रहे हैं। कभी कभी मैं क्यों क्षमा करूं, उन्होंने इतना गलत किया। हम उनको क्षमा नहीं कर रहे हैं बेटा, हम उनको क्षमा नहीं कर रहे हैं, हम किसके कर्म को ठीक कर रहे हैं? अपने। हम उनको ब्लेसिंग नहीं दे रहे हैं, हम किसका कर्म अच्छा बना रहे हैं? अपना। इसलिए ये नहीं सोचो लेकिन उसने ऐसा किया, पहली बात तो उसने किया ही क्यों? कुछ भी हो रहा है लाइफ में, एक लाइन में फुल स्टॉप लगाना, ये मेरे पहले फेंकी हुई वाली बॉल वापस आ रही, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, वैसे, सब फुल स्टॉप हो जाता है। क्योंकि क्यों, क्या, कैसे भी 10 बॉल्स चली जाती हैं। और शरीर में कोई बीमारी आई, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, क्यों हुआ? नहीं है कुछ, पिछला हिसाब किताब आया। इम्पोर्टेंट है अब क्या करना है, राइट? फोकस किस पे करना है? जो बॉल आ रही है उस पर फोकस नहीं करना, जो बॉल फेंकनी है। क्योंकि ये जो मैंने पहले फेंकी थी, अभी अज्ञानवश कभी तो फेंकी होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने इनको नेगेटिव बॉल फेंकी क्यों? मैं तो पहली बार मिल रही हूँ ना इनसे, तो ये सोचेंगी ना कि ये क्यों मेरे पास आ रही है, मैं तो इनको पहली बार मिल रही हूँ, तो इनके पास मेरे से ये क्यों आ रही है? फिर क्योंकि, वेरी गुड, क्योंकि हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं, हम इस शरीर में आने के बाद पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए मैं आत्मा हूं हर जगह चाहिए होता है, हर जगह चाहिए होता है, हर रिश्ते में चाहिए होता है, हर इंटरैक्शन में चाहिए होता है, हर कर्म में चाहिए होता है। हम सब पहले मिल चुके हैं, हम अभी मिल रहे हैं, हम फिर मिलेंगे। शादी होती है, पंडित जी कहते कितने जन्म इकट्ठे रहेंगे, आजकल तो एक भी नहीं रह रहे, तो 7 कैसे रहने वाले हैं? उसका एक मीनिंग है, उसका मीनिंग है कि जो इतने स्ट्रॉन्ग कार्म, हस्बैंड वाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट है, तो जो इतने स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट में आ रहा है, वो पहली बार नहीं मिल रहा है एक दूसरे को। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पति पत्नी पति पत्नी चल रहे हैं, नहीं, इट जस्ट मीन्स हम किसी ना किसी इक्वेशन में एक दूसरे को मिल रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा क्रिएट करके आए हैं, और इसीलिए आज इतने स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट में आए हैं, आगे भी फिर मिलेंगे। डेस्टिनी, दिस इज आवर डेस्टिनी। लेकिन डेस्टिनी क्रिएट किसने की? डेस्टिनी भगवान क्रिएट नहीं करता, भगवान राइट कर्म करने का ज्ञान देता है, भगवान कर्म करने की शक्ति देता है, लाइक अ पेरेंट। लेकिन कर्म किसने करना है? बच्चे ने, पेरेंट, टीचर, पेरेंट, टीचर, गुरु, इसीलिए उसको परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु। ज्ञान भी देते हैं, पालना भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं, वरदान भी देते हैं, कर्म नहीं करते हमारा, और भाग्य भी हमारा नहीं लिखते। लेकिन उनसे वो ज्ञान, पालना और शक्ति लेकर हम अपने कर्म को क्या कर सकते हैं? श्रेष्ठ बनाते हैं, और अपने भाग्य को क्या कर सकते हैं? एलिवेट कर सकते हैं। सो गॉड्स रोल इज़ वेरी पावरफुल, बट माय रोल इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। आई कैन नॉट जस्ट पुट इट अप देयर, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं। फिर तो भगवान से ही हम क्या हो जाते हैं?
नाराज हो जाएंगे ना, फिर तो हम भगवान से नाराज हो जाएंगे। तो इसीलिए अब हर कर्म में कौन सी बॉल फेंकनी है? पॉजिटिव। तो हम उसको वाइट कलर की बॉल बोलते हैं, दुआएं, हाईएस्ट एनर्जी। तो हर एक को कौन सी वाली भेजनी है? हर एक को, भले सामने से कौन सा भी कलर आ रहा हो। अब ये बिजनेस करना है, सामने वाला कोई भी कलर की एनर्जी दे रहा हो, मेरी तरफ से कौन सी एनर्जी जानी है? हाईएस्ट प्योरिटी, ब्रह्मचर्य, पवित्र कर्म, हर कर्म पवित्र कर्म। तो मेरे से हर एक को क्या जानी चाहिए? हाईएस्ट वाइब्रेशनल बॉल, चाहे वो ऑफिस में है, चाहे वो घर पे है, चाहे वो पड़ोसी है, कोई भी है, वो कुछ भी कर रहा हो, मुझे क्या देना है? तो हर एक के लिए दुआ, शक्तिशाली आत्मा है। और एक थॉट क्रिएट करो, पास्ट कार्मिक अकाउंट ख़त्म हो चुका है और मेरा और इनका आज से एक नया कार्मिक अकाउंट शुरू हुआ है, मेरी तरफ से इनको सिर्फ और सिर्फ दुआएं, 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 सम्मान, प्यार और शुक्रिया भेजते जाओ, भेजते जाओ, भेजते भेजते खुद की एनर्जी क्या होती जाएगी? खुद की एनर्जी बढ़ती जाएगी, अभी अभी भाग्य अच्छा होने लग जाएगा, शरीर बेटर फील होने लग जाएगा, अपने आप होने लग जाएगा। तो कर ले, वाइट बॉल भेजनी है सबको, हमेशा, ऑलवेज, टू एवरीवन, इरिस्पेक्टिव वो क्या भेजेंगे, ये नहीं जो हमें अच्छी भेज रहे हैं उनको अच्छी, हमें जो अच्छी भेज रहे हैं उनको अच्छी के लिए ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, वो तो कोई भी कर सकता है। हमें कुछ भी मिल रहा, हमें उनको क्या भेजना है, और सिर्फ लोग नहीं, परिस्थिति भी, जीवन में कोई परिस्थिति भी आती है ना, उस परिस्थिति में भी सही सोचना है। मुश्किल से मुश्किल बात भी आए तो कहना इसमें भी कुछ कल्याण है, तो परिस्थिति को भी दुआ देनी है। हमेशा हर परिस्थिति में सिर्फ ये ध्यान रखना, कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं भी है, सिर्फ एक चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना है, कौन सी? बस इसको कंट्रोल में रखा, सब आ जाएगा कंट्रोल में। लेकिन इसको गिरा दिया और फिर सब चीज़ को ठीक करने की कोशिश की, नहीं होगा, नहीं होगा। तो कर सकते हैं, सारा दिन क्या करना है, जीपीएस क्या है हमारा? कर्म और संस्कार। कर्म में कोई गफलत नहीं, बिजनेस के कर्म में बिल्कुल गफलत नहीं। यहाँ से जाने से पहले जब आप ट्रेन फ्लाइट में बैठे होंगे, इंट्रोस्पेक्ट करना कि मैं अपने काम कारोबार की वाइब्रेशन को और ऊपर कैसे लेके जा सकता हूँ, मैं एथिक्स की डेफिनेशन को और ऊपर कैसे लेके जा सकता हूँ, लोग किस तरह से बिजनेस कर रहे हैं डजंट मैटर, क्योंकि उनका कर्म उनका भाग्य लिखेगा, मेरा कर्म मेरा भाग्य। तो मुझे किसके कर्मों को उठाना है? अपने। भले धन थोड़ा कम हो जाए, ऐसे होता नहीं कभी, लेकिन अगर लगे भी कि हो रहा है तो होने दीजिए, होने दीजिए, लेकिन कर्म कैसा होना चाहिए? एक सेकंड में आत्मा शरीर छोड़ेगी, धन साथ नहीं लेकर जाएगी, धन हमारे साथ नहीं जाता, लेकिन जिस तरह से धन कमाया था वो तो हमारे साथ जाएगा ना। धन तो बच्चों के भाग्य में आ जाएगा, वो उस आत्मा का कर्म है कि आप सारा धन उनको देकर जाएंगे, लेकिन कर्म करा धन कमाने का जो तरीका है वो आपके भाग्य में जाएगा, पर उस धन में ना किसी का दर्द नहीं लगा होना चाहिए कभी। कलयुग, कलयुग इसलिए बना है क्योंकि कलयुग में प्रायोरिटी सिर्फ ये है कितना कमाना है, कितना कमाना है, कितना कमाना है, कैसे कमाना है, खुशी कैसे कमाने में है, कितने कमाने में नहीं, कितने कमाने में आराम है, राइट? कर्म ही मैंने सही नहीं किया होगा तो बड़ी सोफे पे बैठकर भी नहीं मुझको नींद आने वाली है, कर्म नहीं किया है। इसको, ये बहुत मोटा लगता है लेकिन ये बहुत सूक्ष्म है, ये और गहरा और गहरा और गहरा। बिजनेस करते समय मेरा फायदा हो नहीं, इनका फायदा हो, मेरा 10% नुकसान हो जाएगा तो कोई बात नहीं, उनका नहीं होना चाहिए, इस लेवल पर एथिकल चलना है, क्योंकि अगर उसका नुकसान हो गया तो हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे, क्योंकि वो नुकसान पैसों का नहीं होता है, वो नुकसान पैसों का नहीं होता है, वो कर्म पैसों का नहीं होता है, उस कर्म में एनर्जीज होती है, इमोशंस होती है, दूसरे का भाग्य होता है, इसलिए अपना हो जाए दूसरों का नहीं, बट अपना कभी होगा नहीं जब दूसरों के साथ अच्छे कर्म करें, अपना कभी हो नहीं सकता,
लेकिन कभी भी प्रायोरिटी डिसीशन मेकिंग में आए, दूसरे का मेरी वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए, ये सोच कर कर्म करें। कर सकते हैं? तो धन की वाइब्रेशन भी किधर चली जाएगी? ऊपर। तो अन की वाइब्रेशन भी किधर चली गई? ऊपर। तो फिर मन की भी किधर जाएगी? ऊपर। तो डेस्टिनी किधर जाएगी? बहुत ऊपर। और कैसे हो गया ये? सिर्फ मैं आत्मा हूँ, तो दैट डेस्टिनी इज क्रिएटेड विद आर आइडेंटिटी। क्योंकि आत्मा याद रखने से संस्कार कर्म सब याद आ जाते हैं। और जितने हमारे रिश्ते हैं आज घर में, ऑफिस में, इनमें से हम किसी को पहली बार नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए कुछ कुछ रिश्ते बहुत समीप के होते हैं लेकिन बड़े उलझे हुए हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे रोज ज्ञान को स्टडी करेंगे, उस पर मेडिटेशन करेंगे, आप मेडिटेशन में परमात्मा से कनेक्ट होकर वो वाइब्रेशन उस आत्मा को देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, सामने वाली आत्मा बदल जाएगी, उनका बिहेवियर बदल जाएगा, आपका कार्मिक अकाउंट और डेस्टिनी उनके साथ चेंज हो जाएगी। सिर्फ आपको अपने से जाती हुई एनर्जी को क्या करना है? चेंज। सिंपल है ना? सिंपल, बहुत सिंपल। तो इसीलिए ज्ञान के साथ साथ ना थोड़ा सा मेडिटेशन ज़रूर सीखना। जब वापस जाएंगे, आपके नज़दीक सेंटर है, एक बार 3-4 दिन जाकर वहाँ मेडिटेशन सीख लेना। ये नहीं सोचना हम जैन हैं तो हम वहाँ नहीं जा सकते। यहाँ कोई रिलीजन नहीं है, यहाँ सिर्फ कौन से रिलीजन की बात हो रही है, ये। इसीलिए ये एक स्कूल की तरह है। स्पिरिचुअलिटी रिलीजन को नहीं कभी चेंज करती है। स्पिरिचुअलिटी हमारा जो रिलीजन है उसको हमें और इम्प्लीमेंट करने की शक्ति देती है, हमें अपने रिलीजन से कभी डेविएट नहीं करती है। तो इस स्पिरिचुअल स्कूल में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्ध हर धर्म के हैं, क्योंकि और वो जिस धर्म के हैं वो उसी धर्म के हैं, वो उसी धर्म को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ उनका धर्म जो उनको सिखा रहा है उसकी और गहराई में जाकर उसको और गहराई से फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि अभी समय वो आया है कि जो आपकी नेक्स्ट नेक्स्ट जेनरेशन है, बच्चे, उनके बच्चे, वो तो बेसिक बेसिक चीज़ें भी छोड़ रहे हैं ना, धीरे धीरे छोड़ रहे हैं ना, धीरे धीरे। तो वो फिर हम अपने परिवार की मर्यादाओं को कैसे जोड़ कर रखेंगे? वापस विदेश पढ़ने जाते हैं तो खान पान भी बदल देते हैं आजकल तो। प्याज लहसुन तो बहुत दूर की बात है, फिर वहाँ तो नॉनवेज भी खाना कुछ बच्चे शुरू करते हैं। कैसे उसको सबको रोकेंगे? उसको रोकने का एक ही तरीका है, अपने धर्म को अपने घर में क्या करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग। क्योंकि वो धर्म ही उन बच्चों की मर्यादाओं की रक्षा करेगा, रक्षा करेगा। लेकिन उसके लिए उसको इम्प्लीमेंट करना है। बच्चे भी वो देखते हैं कि ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, ये चीज़ हमारे आचरण में आनी चाहिए, आचरण में। तो वो है राजयोग। तो एक बबार सेंटर पर जाकर वो सीख लेना, 3-4 दिन में, 1 घंटा देकर, जहाँ आप रहते हैं वहाँ के नज़दीक सेंटर पे जाके सीखेंगे। जो आप सीख रहे हैं अपने रिलीजन में उसके कॉन्ट्रडिक्टरी एक भी बात नहीं आएगी, वो सर्टेन है, एक भी बात नहीं आएगी। लेकिन जो आप सीख रहे हैं उसके साथ आप मेडिटेशन करेंगे तो जो आप सीख रहे हैं रिलीजन में उसको आपको धारण करने की और शक्ति आती जाएगी। ठीक है, चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे फिर से। ये छोटी सी ड्रिल फिर से करनी है 1 मिनट की। आओ ईशुबेन, 1 सेकेंड में ब्रिक्विटी के बीच, मैं आत्मा। चमकता हुआ सितारा, पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा, मेरे पास्ट कार्मिक अकाउंट पूरे हुए, मेरी तरफ से सबको दुआएं, पुरानी बातें खत्म, फुल स्टॉप, बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप। क्षमा करते हैं, बात को खत्म करते हैं। मेरा धन
दुआओं के साथ आता है। मेरा काम, कारोबार, व्यापार सबको सुख देता है, सबको सेहत देता है। मेरा अन्न परमात्मा की याद में दुआओं से भरपूर शक्तिशाली अन्न है। मेरे दिन की शुरुआत परमात्मा की याद से, ज्ञान से मन को शक्तिशाली बनाती है। धन, अन्न, मन, तन, संबंध मेरा भाग्य श्रेष्ठ है। परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। ड्रॉ कीजिए अपने चारों तरफ एक व्हाइट लाइट सर्कल। पूरा सर्कल अपने चारों तरफ बनाइएगा। परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। ओम शांति।